मिल रही है। तो प्रश्न यह, और आज क्या क्या कहा जाता है भाई, इतने पुराने मामले का ट्रायल चल रहा है और उस पर क्या आरोप लगाया जा रहा है बताइए, 20 साल से भी ज्यादा पुराना केस है, ट्रायल है। हमसे तो कोई पूछता, हम तो बोलते हैं कि जुडिशियल फैसले पर, न्यायिक निर्णय पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते। और आप पता कर लीजिए, 13 में भी हुआ था तो हमने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की थी क्या? हमने नहीं कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है। न्यायिक निर्णय पर हम प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। लेकिन जहां तक सवाल है, ये ट्रायल चलता है या ट्रायल चल रहा है, जुडिशियल प्रोसेस में कोई चीज गुजर रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए हम लोग जिम्मेवार हैं। ये जो रोज बोला जा रहा, और मैं देख रहा हूं बिहार के मीडिया को कि जितनी प्रमुखता से प्रतिदिन इस बात को छापा जाता है। हम मीडिया के स्वतंत्रता के हिमायती हैं और गांधी जी को हम मानने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कह दिया था कि कुछ भी बोले, गलत भी बोले, तो भी उसकी आजादी के हिमायती हैं। हम लोग तो वही हैं, छात्र जीवन से ही उसके हिमायती हैं। लेकिन खुद जरा गौर करके देख लीजिए किन किन बातों को आप तवज्जो दे रहे हैं। मैं सच कहता हूं, आप लोगों को सोचना चाहिए, हम लोगों को नहीं सोचना। हम लोगों को अच्छी तरह मालूम है क्या मतलब है भाई, 21 साल पुराने मामले में हम लोगों की क्या भूमिका है। यहां पर तो बैठे हुए हैं हमारे मित्र सुशील मोदी जी, ये तो पीआईएल दायर करने वालों में थे। ललन जी पीआईएल दायर करने वालों में थे। एक सज्जन और पीआईएल दायर करने वाले में थे, आजकल उनकी क्या आवाज है तो सुन रहे हैं। एक आध और थे तो पीआईएल दायर करने वाले, और अब तो झारखंड राज्य को एडॉप्ट कर लिया सरजुग राय जी ने, तो इस सब लोग पीआईएल दायर करने वाले। हम नहीं थे पीआईएल दायर करने वाले, पीआईएल दायर करने वाले ये लोग थे। ये लोग कोर्ट में लड़े और कोर्ट के निर्देशन में सीबीआई ने इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन किया और केस दर्ज हुआ, उसका ट्रायल चल रहा। अब जरा बताइए, और ट्रायल चलता है तो उसमें जो गवाह लोग बयान देता है वो भी अखबार में छपता है, तो आप जरा बता दीजिए ये जो ट्रायल चल रहा है इसमें मोदी जी की क्या भूमिका और मेरी क्या भूमिका, आप जरा बताइए। और रोज छापते हैं आप लोग, जो मन छापिए, हमको कुछ नहीं कहना, लेकिन हमसे प्रश्न पूछते हैं तो हम भी पूछ सकते हैं, आप ही बताइए। तो जिस तरह का माहौल आप बन रहा है और वैसे माहौल को बनाने में जिन लोगों की दिलचस्पी है वो उसमें लगे रहे, हम लोगों की वो दिलचस्पी नहीं। हमारी रुचि आज भी एक एक क्षण का उपयोग हम लोगों की सेवा के लिए करते हैं और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसलिए जरा देख लीजिए वो क्या सरकार चलाते, बताइए। आप हमको बता रहे हैं 6 महीना पहले, 7 महीना पहले हमने निर्णय लिया, अभी ट्रायल हुआ, आज सजा हो, तो हम तो कभी भी जुडिशियल फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाता, कौन सी प्रतिक्रिया का एक्सपेक्टेशन किया जाता उस गठबंधन में? तो प्रतिदिन तो तनाव का माहौल रहता, आपसी सामंजस्य नहीं रहता, तो उस सरकार को हम चला नहीं सकते थे। और जिस दिन बना था गठबंधन, अंदरूनी तौर पर जितने लोग थे, हमने सब कह दिया था कि भाई इसको तो साल डेढ़ साल से ज्यादा चलाना संभव नहीं है, और 1 साल 8 महीना चला दिया, 1.5 साल से भी ज्यादा 20 महीना चला दिया। तो बड़ी बुनियादी चीजें हैं, उसको क्या कीजिएगा। लेकिन बहुत लोग नाराज हम पर हैं, कैसे ये निर्णय ले लिया, किसी को पता ही नहीं चला कि ऐसा निर्णय हो जाएगा और इतनी जल्दी हो जाएगा, वैकल्पिक सरकार बन जाएगी और फिर वो गवर्नेंस के काम में लग जाएगी। तो बहुत लोगों को इसके बारे में समझ नहीं था, मैंने सोच नहीं रहे थे, एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो हम करें क्या। हमारा कमिटमेंट तो बिहार के प्रति है और बिहार की सेवा ही देश की सेवा हम मानते हैं, तो देश की सेवा नहीं कर रहे हैं बिहार की सेवा करके हम लोग। लेकिन ये जो दिल्ली में चलता रहता, पूरे देश में चलता रहता, अल्टरनेटिव कौन होगा, अल्टरनेटिव कौन होगा, यही सब डिबेट में, उसमें भी आकर के हमको कितना आदमी कहता था। अब हम बिहार में हैं, असीमित हम लोगों की ताकत है, अल्टरनेटिव बनने का ख्वाब देखते, सपना देखते, अरे बिहार की सेवा करनी है तो कल भी, कल
कल भी कर रहे थे सेवा, आज भी सेवा कर रहे हैं। आपकी बातों से तो लग रहा है कि वो जो फैसला आपने लिया था महागठबंधन में लालू जी को साथ लेने का, कहीं ना कहीं वो गलत है। एक बात बता दें, चल रहा था ना जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम, हमको तो मालूम नहीं था, आप ही लोगों में से कुछ लोग बताए कि अभी लोग अनाउंस करने वाले हैं। हम तो दिल्ली में मीटिंग थी, हमने कहा था कि सीट का कर लीजिए, ये सब छोड़िए, अनाउंसमेंट मत कीजिए। तो अनाउंसमेंट तो अपने किए थे, आज लोग मैंडेट की बात कर रहे हैं, लीडरशिप किसकी थी? और जेडीयू ने घोषणा किया था कि वही लोग घोषणा किए थे बेटे, तो लीडरशिप किसकी थी? तो मैंडेट मिलने में कोई रोल नहीं था क्या जिसके लीडरशिप में चुनाव हुआ? अब पूरा भाषण मेरा तो देख तो लीजिए, 218 भाषण दिए थे, कहीं लिखा हुआ था कि भ्रष्टाचार कहीं कहा है हमने कि समझौता करेंगे या गवर्नेंस से कोई समझौता करेंगे? नहीं किया। तब उसके चलते चाहे जितना हमको सुनना पड़े सुनते रहेंगे, लेकिन काम करते रहेंगे और बहुत ही प्रेम से काम करेंगे। केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है और जो हम लोगों की अपेक्षा होगी केंद्र से हम लोग निरंतर मांग भी करते रहेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र के सहयोग से राज्य के विकास में गति आई है और ये बिहार के हित में होगा, ये हम लोग मान करके चल रहे हैं। बाकी चीज तो भाई आप लोग क्या क्या सोचिएगा, पकौड़ा पूछिएगा तो क्या पूछिएगा, अभी 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 पता करवाते हैं पकौड़ा है उधर बना हुआ कि नहीं। क्या चीज के लिए क्या बोल रहे हैं, सुन रही है? इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं, आप लोगों को जानकारी, पहले पूरा जानकारी लिख के भेज दी, हमारा सारा समय बिहार के काम में बीतता है। तो आपका इंटरप्रिटेशन, नहीं नहीं हमारा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, आपका जो इंटरप्रिटेशन हो ये तो इंटरप्रेट करने का तो अधिकार ना आपको है, आप पूछे तो हम तो बड़ा इत्मीनान से सब बात बता देते हैं। लेकिन आप और पहला दिन भी बता दिए थे कि नहीं थे, राजभवन से निकल के आए थे तो वहीं पर बात हो रही थी, उस दिन भी यही बात बोले थे, आज भी वही बात बोल रहे हैं, कोई नया बात नहीं बोल रहे हैं। याद खाली रखिएगा, नहीं तो अपना पुराना देख लीजिएगा टेप, अगर रखे होंगे तब। मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि बिहार में बिना आरजीपी टैक्स का ना तो किसी का तबादला होता है और ना ही कोई किसी को ठेकेदारी देता है। आप लोगों को भी कुछ ना कुछ स्तर का ख्याल रखना चाहिए, क्वेश्चन के लेवल का ख्याल रखिए। आप उम्मीद करते हैं कि हम सबकी बात का जवाब देते हैं? इतने लंबे काल का राजनीतिक कैरियर है, आप लोगों की उम्र कम है, अपने वरीय लोगों से भी पूछ लीजिएगा। मुख्यमंत्री जी, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो एनडीए के पार्टनर में असंतोष बढ़ रहा है, शिवसेना तेलुगु देशम पार्टी और भी असंतोष बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि 2019 का चुनाव आते आते एनडीए या यूनाइटेड लड़ पाएगा या कुछ डिसिग्रीमेंट होगा? भाई मेरी राय है जिसको हम व्यक्त कर चुके हैं, 2019 में मेरी अपनी समझ है कि कोई समस्या नहीं होने वाली है, लेकिन राजनीति में तो कुछ ना कुछ हलचल चलता ही रहता है, तो उसको क्या कीजिएगा, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने ढंग से अपनी बात रखती है। लेकिन जब 2019 का चुनाव आएगा तो उस दिन देखिएगा ना कि कौन कौन लोग है। सर हाल के दिनों में जिस तरह से क्राइम के अंदर घटनाएं हो रही हैं, मर्डर, लूट, क्राइम अगेंस्ट वुमन, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गिरी है, और अगर ऐसा लगता है तो इसके लिए क्या किया जाता है? बड़ा अच्छा सवाल आप पूछे,
इतना बढ़िया सवाल आप पूछे हैं, उठा करके आंकड़ा देख लीजिए, क्राइम घटा बढ़ा नहीं। फर्क सिर्फ यही है कि बिहार में एक एक इंसिडेंट रिपोर्टेड होता है, फर्क इतना ही है। रिपोर्टिंग बढ़ गई है, क्राइम का इंसिडेंट घट गया है। गौर से अध्ययन कर लीजिएगा, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री के द्वारा क्राइम फिगर जारी किया जाता है उसको पढ़ लीजिएगा, और जहां जो क्राइम होता हम उसको कोट करते हैं। बिहार का पूरे देश में 1 लाख की जनसंख्या पर जो अपराध होते हैं उसको अगर आप देखिएगा पूरे देश में, तो बिहार का स्थान 22वां है क्राइम फिगर्स में। जान लीजिए 1 लाख की आबादी पर बिहार की स्थिति साल दर साल इंप्रूव करती चली जा रही है। लेकिन दो ही चीज है जिसमें बिहार की स्थिति ठीक नहीं है, और वह स्थिति है डॉरी डेथ, और उसके चलते जो महिलाओं पर जुल्म होता है। इस मामले में बिहार का क्राइम फिगर ज्यादा है, और यही कारण है, इसी से निजात दिलाने के लिए, क्योंकि सिर्फ सरकारी मशीनरी के एक्शन से नहीं होगा, उसके लिए एक बड़ा सामाजिक अभियान हम लोग चला रहे हैं बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ, और इसको हम खुद ही हर भाषण में कोट करते हैं। लेकिन ओवरऑल देखिएगा क्राइम का फिगर, तो क्राइम का फिगर घट रहा है, क्राइम का फिगर हमारा बढ़ नहीं रहा, घट रहा है, नियंत्रण। और दूसरी बात है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो रही है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी फास्ट है। कितने इंसिडेंट्स हाईली रिपोर्टेड हुए और पता कर लीजिए कि उसके बारे में कितनी जल्दी गिरफ्तारी हुई और कैसे वो डिटेक्ट हुआ। लेकिन अब क्या कीजिएगा, ये तो बिहार है, बिहार का हर क्राइम न सिर्फ बिहार के प्रेस में, नेशनल प्रेस में है। अब कर्नाटक वाला क्या हुआ भाई, वो कर्नाटक का जो इंसिडेंट हुआ था उसका क्या हुआ, हम पूछ रहे हैं, कहीं कोई चर्चा है? अब अगर बिहार में हुआ होता तो क्या स्थिति होती, बोलिए क्या हुआ उसका। तो बाहर क्या क्या होता उसको, और देश भर में जितने क्राइम फिगर्स हैं आप देख लीजिए क्राइम फिगर को, और रिपोर्टिंग को भी एनालाइज कर लीजिए, जितनी यहां रिपोर्टिंग होती है, और अच्छी बात है रिपोर्टिंग होगा तो जो भी सरकारी तंत्र है वो और मुस्तैद होगा। जितना बार क्राइम का रिपोर्टिंग होता उतना ही बार मेरा पूछताछ शुरू हो जाता है, हालचाल लेने लगते हैं हम ऊपर के अधिकारियों से कि क्या हुआ भाई, ऐसा कैसे हुआ, ये कहां हुआ, ये कैसे हुआ, पूछते हैं। तो आप रिपोर्टिंग करते हैं उससे कोई एतराज हमको नहीं, लेकिन हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्टिंग का रेट बिहार में है वो जरा अन्य राज्यों से भी तुलना कर लीजिए। आजकल सर यूपी का भी खूब है, हम नहीं जानते हैं, वो आप जानते होंगे। उसके लिए तो पहले से चल रहा है, नहीं यहां बाल मजदूरी के खिलाफ बहुत कुछ प्रयास किया गया है, और यहां इस मामले में बहुत हम लोग कॉन्शस हैं, और आपको मालूम नहीं है जब यहां से उठा करके ले जाया जाता है बाहर, और जब उसको छोड़ा जाता है, तो बिहार ही है जहां हम लोग सीएम रिलीफ फंड से, बाकी जो केंद्र का और राज्य की योजनाएं हैं उसके माध्यम से जो मदद मिलती थी
उसके अलावे हमने यहां 25,000 रुपया हर वैसे व्यक्ति को देने का फैसला किया हुआ और लोगों को दिया जाता है। तो इन सब चीजों के बारे में बहुत कॉन्शस है कि फिर से कहीं अपने बच्चे को कोई बाहर न भेज दे ताकि उसको आगे सहूलियत हो, फिर वो नहीं जाए। और बाकी जो बात बोली हमको नहीं मालूम क्या कर बीजेपी दफ्तर, हम लोग को नहीं मालूम, वो तो बता देंगे आपको ये लोग, हमको नहीं पता। अरे भाई तो मंदिर जा रहे हैं तो इसमें किसी को हम लोगों को क्या इतराज है, मंदिर जाए जहां जाए तो उसमें क्या दिक्कत है, आपको क्या इसमें खराब लगता है? मंदिर जाना कोई बुरा चीज है? कोई कहीं मंदिर जाता है, कोई कहीं जाता है, तो उसमें क्या कीजिएगा? सर एक सवाल ये है कि आप बिहार में सरकार के अलावा गठबंधन का भी नेतृत्व कर रहे हैं, जो एनडीए गठबंधन है, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी का, खासकर मांझी जी का कहीं बयान आ रहा है गठबंधन को लेकर, गठबंधन से बाहर हो जाएंगे अगर हमारे समय के जो फैसले हैं उसे मंजूर नहीं किए गए, तो परेशानी हो रही है। हम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, गठबंधन का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, ये भ्रम के शिकार मत होइए। सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और सबकी सहमति से सरकार बनी है और सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, है? सामूहिक है। कोर्ट के बाहर समाधान हो जाए बड़ी अच्छी बात है, हम लोगों का तो शुरू से ही है कि अयोध्या का समाधान या तो आपसी समझौते से हो, आपसी बातचीत से हो, या कोर्ट के फैसले से हो। अब जैसा भी फैसला हो जाए उसका वही समाधान तो वही है, कोर्ट का फैसला हो या आपसी बातचीत हो, और आपसी समाधान नहीं निकल रहा तो कोर्ट से जो फैसला होगा वही समाधान है। हम लोगों की तो आज से नहीं, शुरू से ये राय, प्रारंभ से ही हम लोगों की ये राय है।